दशहरा, राम के हाथों रावण का वध और बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा, आसमान में गड़गड़ाहट करता देश का नया मेहमान और पड़ोसी देशों की नींद उड़ी। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि देश की सेना की हुंकार है कि हमारा सबसे शक्तिशाली हवाई हथियार रफाल दशहरा के दिन ही देश की सेना को मिला है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दशहरा का ही मौका चुना, रफाल की शस्त्र पूजा करके दुनिया को एक संदेश दे दिया कि नए भारत पर बुरी नजर डालने वालों सावधान हो जाओ। भारत की एक टीम पहले से ही रफाल प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए फ्रांस में है और द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास के जरिए रफाल की खूबियों को समझ रही है। पायलट्स की एक टीम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी फ्रांस पहुंची है ताकि इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले सके। रफाल के परीक्षण और ट्रेनिंग के लिए भारतीय पायलट इन्हें फ्रांस में कम से कम 1500 घंटे उड़ाएंगे। रफाल भारतीय एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस विमान में लगी दो मिसाइलें मीटियर और स्काल्प इसे गजब का ताकतवर बनाती है। मीटियर एडवांस एक्टिव रडार सीकर से लैस है, यह हर मौसम में वार करने में सक्षम है। तेज रफ्तार जेट से लेकर छोटे मानव रहित विमानों के साथ साथ क्रूज मिसाइलों को भी ये निशाना बना सकती है। वहीं स्काल्प करीब 300 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। ये पहले से तय हमलों को नाकाम करने या फिर स्थिर लक्ष्यों को भेदने में दक्ष है। ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक्शन को और आसानी से अंजाम दे सकती है। औपचारिक रूप से तो भारतीय सेना को ये विमान फ्रांस से मिल गया है, लेकिन अंबाला एयरबेस में इसे ट्रेनिंग और परीक्षण के बाद अगले साल मई के महीने तक ही लाया जा सकेगा।